Hi guys, this is Kushbargal. Welcome to Byju's exam prep platform. आज के session में हम बात करने वाले GAT B 2024 exam के preparation के बारे में, all about this exam, about eligibility criteria, exam pattern, syllabus, preparation strategy. हम इन सारी चीजों के बारे में session में बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ. तो so, uh, अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन और आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको आपके मोबाइल पर गूगल लेंसेज ओपन करने होंगे इस क्यू uh, कोड को स्कैन करना होगा और ऐप डाउनलोड हो जाएगा ऐप आप में आपको कई सारे फ्री लाइव एज एज वेल रिकॉर्डेड वर्कशॉप मिल जाएंगे जिसको आप अटेंड कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन के जर्नी को और स्मूथ बना सकते हैं तो जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ना जैसे हमने बोला कि आज हम बात करने वाले हैं गैट बी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एग्जाम के बारे में तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करते हैं कि एग्जाम है क्या और कैसे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिलेबस क्या है ईच एंड एवरी डिटेल्स विल बी इन सेशन अबाउट दिस एग्जाम लेट टॉक अबाउट गैट बी का क्या मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट ओके ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट होता है ये एमएससी के लिए होता है तो जो भी ग्रेजुएट जिन लोगों ने अपने ग्रेजुएशन को खत्म कर लिया है एंड वो एमएससी करना चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से तो उनके लिए है कि अच्छे जगह से एमएससी करने के लिए ये एक एग्जाम है जहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज आपको मास्टर्स डिग्री करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अगर आप इस टेस्ट में बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अटेड यूनिवर्सिटी तो उनके लिए ये टेस्ट है आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा दिस इज नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो एन टी ऑर्गेनाइज करता है जैसे कि मास्टर्स uh, के बाद बेट होता है बायोटेक्नो एलिजिबिलिटी बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट वो पी के लिए रिसर्च के लिए होता है वैसे ये गैट होता है ये आपका मास्टर्स के लिए होता है एंड एन ही ऑर्गेनाइज करती है ऑन बिहाफ ऑफ 34 यूनिवर्सिटी तो एक एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 34 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो पीएचडी पीजी ऑफर कर रही है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप जा सकते हो इस एक एग्जाम के थ्रू तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहां पे आप अपना बायोटेक्नोलॉजी का करियर को प्रोसीड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है इस सिक्सटी एंड ओनली वन सीट्स आर अवेलेबल बारह हजार सीट ही अवेलेबल है ठीक है बारह सौ सीट ही अवेलेबल है तो आपको ध्यान रखना है कि सीट्स कम है तो डेफिनेटली कंपटीशन टफ होगा और उसके लिए प्रिपरेशन भी बहुत तगड़ा होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अच्छे से इस एग्जाम के बारे में जानो तो अब हम बात करते हैं कि हु आर एलिजिबल टू गिव दिस टेस्ट कौन कौन इस एग्जाम में बैठ सकते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री ऑब्वियसली उनके पास उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन रिक्वायर्ड फील्ड एंड मिनिमम 60 परसेंट मार्क्स फॉर द रिकोग्इज यूनिवर्सिटी ठीक है साठ प्रतिशत आपको आपके बैचलर्स डिग्री में ग्रेजुएशन में आना चाहिए ठीक है एंड द स्टूडेंट अप्लाई फॉर एमवीएससी दैट इज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी मस्ट है बैचलर डिग्री इन बीवीएससी अप्लाई करने वाले हैं दे मस्ट है बीटेक और बी डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड एम एस सी इन अलाइड एरिया एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी जो अपलाई करने जा रहे हैं उनके पास भी जो बैचलर डिग्री होना चाहिए वो रिलेटिव फील्ड में होना चाहिए ठीक है दो आर फ्रॉम रिजर्व क्लासेस लाइक ओबीसी जो है और एनी अदर डिसेबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड जो है उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है मार्क्स में 50 परसेंट मार्क्स उनको बैचलर डिग्री में होल्ड करना होगा तो जनरल कैटेगरी के, के लिए 60 परसेंट है और uh, जो हमारे रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 50% परसेंट का मार्क्स रखा गया है और आपको अपने रेलिवेंट फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए देन ओनली आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अब ये एग्जाम का स्कीम क्या है सबसे पहले किसी भी एग्जाम का तैयारी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट एग्जाम की वो एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है सो so ये जो एग्जाम है ये तीन घंटे के लिए होता है ठीक है ऑनलाइन बेस्ड होगा ये एग्जाम और दो सेक्शन में एग्जाम होते हैं ठीक है सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन में आपके क्वेश्चन आते हैं दोनों ही एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं एंड डेफिनेटली दे विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो तो अगर आप देखो तो सेक्शन ए जो आपका है वो सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं टेन टू ट्वेल्व टेन प्लस टू लेवल के ठीक है इलेवन ट्वेल्व के लेवल के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो होते हैं वो पीसीएमबी से होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको पीछे जाते हैं तो आपके एनसीआर में जो आपने इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा है बेसिकली उसका क्वेश्चन रहता है यहाँ पर ठीक है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं वो सिक्सटी होता है और आपको साठ के साठ अटेम्प करने होते हैं तो और एक मार्क्स होता है हर एक क्वेश्चन का मतलब टोटल सिक्सटी मार्क्स का ये पेपर ए है सेक्शन ए सेक्शन बी का अगर हम बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होते हैं एंड ऑब्वियसली ग्रेजुएट लेवल के ये सब्जेक्ट रहेंगे और यहाँ पे आपके जो हम सिलेबस को डिटेल में देखेंगे लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी के एरिया के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बींग आज इस हंड्रेड ठीक है तो टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में एक सौ होते हैं और आपको अटेंड कितना करना है सिक्सटी अटेंड करना है आपको अटेंड वन टोटल करना है ठीक है और यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको तीन मार्क्स दिया जाता है मतलब आपका सेक्शन भी जो है वो ह्यूज मार्क्स मार्क्स कैरी कर रहा है 180 मार्क्स कैरी कर रहा है सो so, टोटल आपका 240 मार्क्स का ये पेपर होता है और ये 240 मार्क्स के पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है ये भी ध्यान रखिएगा सो नेगेटिव मार्किंग का अगर हम लोग बात करें सेक्शन ए में वन मार्क्स एवरी करेक्ट आंसर पे मिलता है और हाफ मार्क्स आपका कट जाता है सो नेगेटिव मार्किंग कितना है पॉइंट आपका नेगेटिव मार्किंग है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में थ्री मार्क्स आपको अवॉर्ड होता है करेक्ट करने पर और यहाँ पे भी यहाँ पे एक मार्क्स आपका डिड्यूस हो जाता है गलत होने पर ठीक तो है तो यहाँ पे आपका पॉइंट फाइव है हाफ मार्क्स करता है यहां पर आपका वन मार्क्स कट जाता है गलत होने पर तो नेगेटिव मार्किंग भी है तो आपको ये बहुत ही कॉशियसली करना होगा कि नेगेटिव मार्किंग है तो जो क्वेश्चन आता है आपको उसको अटेम्प्ट करना है ठीक है अब हम आते हैं एप्लीकेशन फीस और फॉर्म कब रिलीज होता है तो मोस्टली मार्च में जिस समय में बेट का फॉर्म रिलीज होता है उसी समय ये फॉर्म रिलीज होगा मिड ऑफ मार्च या फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आप देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका फॉर्म रिलीज होगा और एग्जाम मार्च uh, के लगभग मे के लगभग होता है अप्रैल एंड एंड मे के लगभग में गैट uh, बी का एग्जाम गैट बी का एग्जाम भी होता है ठीक है अब एप्लीकेशन फीस क्या है अगर आप फॉर्म भरते हो तो अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आपका ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज है एप्लीकेशन फीस और कैटेगरीज के सिक्स हंड्रेड रुपीज होते हैं फिफ्टी परसेंट कम होता है उनका ठीक है तो ये आपका फीस एप्लीकेशन फीस है जब आप फॉर्म भरोगे तो ठीक है अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर तो सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो सेक्शन में आपका एग्जाम होगा तो डेफिनेटली सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का सिलेबस भी अलग है बट सेक्शन ए का सिलेबस कोई ऐसा प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया है वो बस आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टेन प्लस टू का नॉलेज होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी वो क्वेश्चन रहते हैं तो सेक्शन ए का सिलेबस इज जस्ट बेसिक आपका टेंथ एंड ट्वेल्थ का जो साइंस है और पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं पर उसको बहुत ही वाइड और बहुत ही अच्छे से डिस्क्रिप्टिव एक एक टॉपिक को मेंशन किया गया है यहाँ पे इतने सारे आपको जो टॉपिक दे रहे हैं उसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और बहुत ही अच्छे से प्रॉपरली आपको सिलेबस दे दिया गया है सेक्शन बी का जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हो बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपको बायोलॉजिकल मेम्रेन एंड स्ट्रक्चर पढ़ना है एक्शन पोटेंशियल पढ़ना है इन्जाइम क्लासिफिकेशन पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबोलिज्म पढ़ना है ऑफ डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स इन सब के बारे में दिया बायोएनर्जेटिक्स वगैरह करना है देन वायरस के स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन है फिर माइक्रोबियल क्लासिफिकेशंस है ठीक है आपको इन डिटेल हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से मेंशन किया गया है कि आपको क्या-क्या टॉपिक पढ़ना है तो सिलेबस आपको बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दिया गया है जो मैंने यहां पर आपके लिए रख दिया है आप सिलेबस को अच्छे से देख सकते हैं और हर एक टॉपिक को आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर कवर करेंगे तो इजीली आप क्वालिफाई भी कर पाओगे इस एग्जाम को ठीक है तो अब हम आते हैं सिलेबस के बाद स्ट्रेटेजी में अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हो और एक अच्छे जगह से मास्टर्स करना चाहते हो तो आपका क्या अप्रोच आना चाहिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी कर रहे होते हो तो आप उस एग्जाम के बारे में अच्छे से जानो तो यहाँ पे हमने देखिए उसके सिलेबस के बारे में एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने जान लिया अब आपको और क्या देखना होता है कि इसके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देखोगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लगेगा कि वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन अभी तक अगर आप देखो तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हाई डिफिकल्ट लेवल के नहीं आते इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ठीक है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जो इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के अलावा मेमोरी के क्वेश्चंस होते हैं ठीक है मेमोरी वाले होते हैं उसके अलावा आपका जो क्वेश्चन अगर, अगर तो आप कर सकते हो तो पे नहीं चलेगा टू पॉइंट होते हैं ठीक है तो क्वेश्चन जो है वो अच, अच्छे से सिंपल से आते हैं क्वेश्चन बहुत हाई लेवल क्वेश्चन एज सच नहीं होता है तो तैयारी के लिए आपको क्या करना है अगर आप सेक्शन ए की तैयारी कर रहे हैं तो सेक्शन ए में आपको फोकस करना है एनसीआर के ऊपर तो देखिए बायोलॉजी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको बायोलॉजी ऑटोमेटिकली हो जाएगा उसके लिए सेपरेट नहीं करना है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है सो so, केमिस्ट्री में आपका थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का फंडा हो गया थोड़ा थर्मोडाइनमिकल कॉन्सेप्ट हो गया ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आप जरूर से देखिएगा फिजिक्स में भी बेसिक फिजिक्स का आइडिया होना चाहिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है मैथ्स में आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि आपको जनरल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस होते हैं ना उस टाइप के पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं तो अगर आप सेक्शन ए की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज्यादा सॉल्व करोगे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ डिटेल इन हाउ मच डिटेल दे आर एंटरिंग इनटू फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स तो आपको एक आइडिया लग जाएगा और उस हिसाब से आप एनसीआरटी को फॉलो कर सकते हैं आप एनसीआरटी को फॉलो कर सकते हैं एनसीआरटी में आपको इन डिटेल मिल जाएगा आप उतना सफिशियंट होगा आपको कवर करना ठीक है उसके अलावा आपको सेक्शन ए में इतना ही काफी है सेक्शन ए में ध्यान रखे आपको 60 ही क्वेश्चन है 60 ही करना है और 60 मार्क्स का है तो यहां आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे बहुत कोशिश करना है कि हमको अपना नेगेटिव मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है नेगेटिव मार्किंग को होल्ड करके रखना है बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है उसके बाद सेक्शन बी का अगर आप बात करें तो सेक्शन बी आपके अपने सब्जेक्ट का सेक्शन होता है और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं ठीक है अब इसमें क्योंकि आप बायोटेक्नोलॉजी फील्ड से हो तो डेफिनेटली आप के जो क्वेश्चन रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी होगा वो आप आराम से कर पाओगे उसके अलावा कुछ सेल बायोलॉजी के है कुछ फंडामेंटल प्रोसेसिंग के है है बेसिक आते हैं बिल्कुल तो आपको करना क्या है? आप प्रीवियस एक क्वेश्चंस बनाते जाइए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई करिए आपको बहुत ज्यादा कोई रेफरेंस बुक को फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपना सिर्फ एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए और जितना पीवाई क्यूज हो सकता है वो बनाइए जितने पीवाई क्यूज आपके इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम है जिसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो जो सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपके मास्टर्स लेवल के जैसे पहले जे एन यू सेपरेट ऑर्गेनाइज करवाता है पहले तो जहां जहां से जो भी आपके MCQs आपको मिल रहे हैं क्यूज आपको मिल रहे हैं PYQs मिल रहे हैं आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा नीट के क्वेश्चन बनाओगे तो उसके उससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी आज तो ये सारे सैम्पल क्वेश्चन की तरह काम करते हैं हमेशा ध्यान रखिए सेक्शन बी में आपके पास हंड्रेड क्वेश्चन है जिसमें आपको सिक्सटी करना है तो यहाँ आपके पास है अच्छा खासा स्कोप है सिलेक्शन का फिर भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए टोटल आपके 240 मार्क्स का जो पेपर है उसमें आपको फोकस करना है कि मेरा 190 प्लस मार्क्स आए अगर आप 190 प्लस आते तो आप सेफ साइड रहते हो 190 प्लस आने पर इज आप आराम से क्वालिफाई कर पाओगे अगर 190 प्लस आता है और अगर 210 के लगभग आता है तब तो आप बिल्कुल टॉप साइड में रहोगे टू या 200 के लगभग आएगा तो आप बिल्कुल टॉपर साइड में रहोगे टू से 210 में रहेगा तो सो वन नाइनटी आप अप्रोच अपना बना के रखिए कि 190 प्लस हमें लाना है किसी भी तरह से और इसका बेस्ट तरीका क्या है आप अपना एनसीआरटी बुक लीजिए और अपने कुछ बेसिक ग्रेजुएशन के जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा पढ़िए उसके एनसीआर आपको सेक्शन ए में हेल्प करेगा बाकी जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है ग्रेजुएशन वाला वो आपको आपके सेक्शन बी में मदद करेगा एंड रिवीजन करते जाइए रिविजन के ऊपर फोकस करिए और पीवाई क्यूज पीवाई क्यूज जितना हो सके प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए करें। जितना करेंगे उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे स्पीड इंक्रीज करना बहुत जरूरी है स्पीड बढ़ाना होगा आपको और तब जाके आप इजिली आंसर कर पाओगे ठीक है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करिए और इनिशियली आल्सो यू कैन सी पीवाई सो दैट यू विल गेट द आइडिया ऑफ क्वेश्चन बींग आज कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं किस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं सो पैटर्न को समझने के लिए आप पीवाई क्यूज को एक बार जरूर से देखिए सो so, ये अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं और देखिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ये तो आपको रहना ही पड़ेगा और अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हो आप आराम से क्वालिफाई करते हो इस एग्जाम को और अच्छे जगह से अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर्स करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है ठीक है सो so होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो आप हमारे ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए इस क्यू आर कोड को स्कैन करिए और ऐप डाउनलोड हो जाएगा वहाँ आपको बहुत सारे लाइव एंड फ्री क्लासेस फॉर योर सी एस आई एंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो मिल जाएंगे जिसको आप देख सकते हैं ऑल्सो हम अपने ऐप पर वाई टी पर फॉर योर डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सी एस आई एग्जाम कई सारे क्लासेस चला रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस सेशंस आल्सो आल्सो रिवीजन जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को और स्ट्रांग बना सकते हैं एंड नीचे दिए गए नंबर पर आपको सिर्फ एक कॉल कॉल या मिस्ड करना है तो आपको uh, एक uh, अगर आप पेड सेशन में आना चाहते हैं आपको इन डिटेल सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे रिगार्डिंग कोर्सेज सब्सक्रिप्शन फीस एंड ऑल एंड देन यू कैन जॉइन अ पेड कोर्सेज आल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड हमारे पेड कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस नोट्स उूज क्विजेज डाउट रिजोल्यूशन टेस्ट सीरीज माइंड मैप सब कुछ मिलता है जो आपके एक प्रिपरेशन को बिल्कुल सॉलिड करता है ठीक है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या मिस्ड कॉल कर लीजिए एंड आपकी जितने भी क्वेरीज हैं उसको रिजोल्व किया जाएगा सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट थैंक यू सो मच टेक केयर बाय